हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। मैं हूं फिजान। तो आज हम करने वाले हैं परिजात ड्रामे का एक और रिएक्शन, ये होगा एपिसोड नंबर 7। तो शुरू करते बिना किसी देरी के, हियर वी गो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हम टीवी लिंक हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। इतने सालों बाद परिजात खोया हुआ है बबली के ख्वाबों में। खुदा रा इसका भरम टूटने मत देना। लेट्स सी अब बबली क्या करने वाली आगे जाके। देख के तो लग रहा है भाई बबली को पसंद आ गया है। यहाँ पर परिजात को शर्म आ गई थी। हाँ बहुत परिजात थोड़ा सा शाय है ना। मिसने मुझे ऐसा लगता है इन्होंने लिप्स की सर्जरी करवाई है थोड़ी बार। ये क्या हो रहा है भाई, एग्जाम्स चल रही है। इनके कॉलेज में स्टडीज करते हुए पहली बार दिखाया गया है। कॉलेज में आते जाते तो दिखाया है। हाँ, इस तरह से क्लास में फर्स्ट टाइम दिखाया। वो भी सीधा एग्जाम्स देते हुए, और हो भी गया इनका। काफी जीनियस स्टूडेंट है परिजात, से जल्दी तो जल्दी भी हो गया उनका। परकर नासास को देखा नहीं? वो तो शायद आज जल्दी निकल गया था। अच्छा क्या नहीं करती थी बच्ची, हैं? उसमें तो ऐसे करना था और ये होना था। क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। भाग गई शबीर भाई की बेटी कर ली कल रात को। भाग गई या किडनैप हो गई भाई? कोई दुश्मन तो नहीं था उसका? पंगे लेती रहती थी वैसे भी वो। हाँ। हर किसी से भाग तो नहीं सकती यार वो। जाते क्यों नहीं है आप? जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए ना। अभी तो एक रात गुजरी है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पुलिस को मिल जाएगी। लड़की जब घर से बाहर निकल जाए तो एक रात क्या, चंद घड़ियों में इतनी दूर निकल जाती है कि दुनिया की कोई पुलिस उसे इज्जत और वकार से वापस नहीं ला सकती। लड़की का घर से दूरी का यह फासला, ये तो हो ही नहीं सकता यार। किसी और के साथ भागे, क्योंकि शादी तो करना ही नहीं थी उसे। नादान है वो, उसे क्या पता रिश्तों की दूरी का। शिट यार शिट, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। वो तो परिजात को पसंद करने लगी थी। अगर आप अपनी को नहीं लाए ना, मैं रो रो के जाते दूंगी अपनी। हाँ भाई ड्रामा कर रही थी वो, ये हो सकता है। मुझे और अपने आप को अभी भी जिंदों में शुमार करते हैं। दिखाएंगे तो पता लगेगा हुआ क्या है एक्चुअली। यही कहाँ है अभी तो यही नहीं पता है। हम बबली के लिए और बबली हमारे लिए मर चुकी है। अब अगर वो वापस भी आ जाए तो ये माशरा उसे कभी भी नहीं जीने देगा। तुम तो जीने दोगे अपने घर में। उसे माशरे से कोई मतलब ही नहीं था यार वैसे भी। मुल्ले वालों को बुरा बोलते थे। मूल्य वाले बता रहे हैं बुरा होते थे हम लोग। आज देख लिया हमारी तो मूल्य वालों को बुरा बोलते थे। बड़ी बातें बना रही है। तुम अकेले क्यों आए हो? लोग यार बबली को साथ लेके क्यों नहीं आए? सनी जी सब छान मारा है, पूरा मोहल्ला, गलियां, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, लेकिन बबली का कुछ पता नहीं चला। अरे उसकी तो कोई सहेली भी नहीं है रात भर ठहर सके। मैंने खुद उसको कमरे में रात को 10 बजे छोड़ा। कराची वाली सहेली के पास तो नहीं गई? परिजात को बताया था ना उसने उसके बारे में। परिजात ही दिमाग लगाएगा लगता है। तुम्हारी कोई दोस्त सहेली वगैरह नहीं है कि ऐसे मामले में तुम्हारा साथ दे सके? में कहीं पता लिखा था उसका, किताबों में देखूंगी कहाँ है रजिस्टर। उस्तानी जी आप मुझे इजाजत दें तो मैं बबली का कमरा देख लूं, शायद कोई सिरा मिल जाए। तुम जो देख रहे देख लो, बस मेरी बच्ची ढूंढ लो। तुम देख लो जाके, जाओ। बबली का रूम, शाहिद अफरीदी का फोटो लगा है। लाला की फैन थी मतलब बबली। क्रिकेट का भी शौक है उसे, कैरम भी है।
शाहिद अफरीदी का उधर भी फोटो लगा है। शाहिद अफरीदी के तो मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा पाकिस्तान में फैन होता होगा, है ना? सही है। पेज फाड़ के ले गई है। ये ले उस्तानी जी, पूछ इसे कहाँ है बबली। ये तो टीपू है, घर का बेदी। ये कौन है? टीपू और बबली तो हमारे घर में खेल कूद के साथ ही बड़े हुए। बता ना, अब चुप क्यों है? बबली बाजी ने मुझे कल खुद कहा था कि 10-11 बजे के टाइम पे और मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देना। रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन क्यों? कराची गई है वो। हाँ, वो कह रही थी कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तुमने उसे खुद ट्रेन में सवार होते देखा? हाँ, मुझे पेट्रोल के लिए 500 रुपए भी दिए, चाहे तो आप वापस ले लें। 10 बजे शहर से बाहर सिर्फ एक गाड़ी जाती है, तेजगांव कराची के लिए। बबली कराची चली गई है स्वामी जी। कराची अपने साथ इस्लामाबाद में बता रहे रजिस्टर से अपनी दोस्त का पता भी फाड़ के ले गई है। अब बताएं बबली को ये कराची में ट्रेन आ चुकी लगता है, पहुंच चुकी है। कुछ पता चला? नहीं। अरे ये तो उनके एरिया का बबली नाम के किसी लड़की का कोई टिकट नहीं कटा। हो सकता है किसी और नाम से सफर कर रही हो सकता, लेकिन 2 दिन पहले तो राजी थी, फिर ये अचानक भागने की क्या जरूरत पेश आ गई? बबली ने उसी दिन घर से भागने का फैसला कर लिया था जिस दिन हमने उसके माँ बाप से इसका रिश्ता मांगा, और उसने बड़ी होशियारी से हमसे ये बात छुपाई। उसे इस नतीजे में पहुंचाने में शायद हमारा भी हाथ है। काश मैंने ये फैसला ना किया होता, शायद उसे ये डर था कि तुम उसके अंदर के लड़के को मार कर सोई हुई लड़की को ना जगा दो जिसे वो अपने बचपन में बहुत पीछे छोड़ आई। तुमने उस्तानी जी से कहीं मेरी और बबली के जहेज की बात तो नहीं की? मौका ही कहाँ मिला, आनन फानन ये वाकया हो गया। अच्छा किया, वरना शायद शर्मिंदगी के मारे में कभी उनके सामने नजर ना उठा पाता। सही बात है, यही बोल रहा। नजरें तो वो भी अब कहाँ उठा पाएंगे। हमारे माशरे में हर जुर्म हर गुनाह की इंतहा औरत के सर क्यों? अगर किसी का बेटा भाग जाए घर से तो लोग इस वाक्य का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे दूध दही लेने निकला आ जाएगा कुछ देर में, और किसी की बेटी अगर चंद घंटे घर ना पहुंचे तो लोग उसके घर वालों को सूली पे टांगने में एक पल की देर नहीं लगाते। यानी शबरी चचा और सानी जी भी वो लोग कल ये महल्ला और मकान छोड़ के जा रहे, शायद शबीर चचा के गांव हमेशा के लिए। इसका मतलब इसकी स्टोरी भी एंड, अब कोई और एक्ट्रेस आने वाली है सामने। इसकी स्टोरी भी कहाँ जाओगे? अपने शहर चला जाऊंगा। इसका भी रोल खत्म हो जाएगा यहाँ पर। इसका रोल खत्म नहीं होना चाहिए यार, नासास बड़ा अच्छा बंदा है, मोटिवेट करता है। अम्मा, अम्मा। आपको पता है आज मास्टर जी हम अंग्रेजी स्कूल की सैर को ले गए थे,
वहाँ पर प्यारी सी मैडम पियानो बजाकर बच्चों को नज़में सुना रही थी। ये प्यालो क्या बला है भाई? प्यानो? प्यालो नहीं, प्यानो बजाने वाला। अब्बा से कहना मुझे भी वैसा ही चाहिए ना, प्लीज। इनकी भी सुनो, घर में खाने के लाले पड़े और इसको बजाने की पड़ी है भाई। पियानो का शौक इसे बचपन से ही है, और आता भी होगा या नहीं आता होगा? आता तो नहीं होगा, पर बजाना। तेरे अब्बा से कहूंगी तनख्वाह मिले ना तो 100-200 बचा के रख लें, फिर हम भी ले आएंगे बड़ा वाला प्यालो। अम्मा 100-200 में इतना बड़ा पियानो कहाँ से आता है? आ जाएगा ना, जा बाहर खेल। माँ के सामने देखो कितना जिद कर सकता है बच्चा, और परिजात को देखो अब किसके सामने जिद करे। सही है, पियानो लेकर बैठा है छोटा सा। चल तू फिकर ना कर, मैं दिलाऊंगी तुझे तेरा बाजा। हाँ यार, बबली ने तो प्रॉमिस किया था पियानो दिलाने का, वो तो भाग गई। पर उससे पहले शादी की बात नहीं हुई थी ना? पर अब हो सकता है बबली दिला दे उसे। बबली मिले तो सही, बबली आई। बबली को तो अभी तक दिखाया भी नहीं, एक बार दिखाना तो चाहिए। गई कहाँ यार? अभी जा रहा है घर खाली करके। ताला लगा रहे हैं भाई। ये घर सेल कर देंगे ना ये? सामान वगैरह सब खाली हो गया। कितना बुरा लगता है अपने इतने सालों से अपने घर में रह रहे वो छोड़ के जाना पड़ रहा है। बबली को थोड़ा अपने पेरेंट्स का तो सोचना चाहिए। बबली यार, यही बात होती, या तो अपना सोचो या अपने घर वालों का सोचो। सेक्रीफाइस तो दोनों में से किसी को करना ही पड़ता है। उसके पेरेंट्स को बबली जैसी है वैसी अपना लेना चाहिए। मेरा भी यही मानना था। अपने जाने का वक्त हो गया, तुम बहुत याद आओगे। ये भी जा रहा है। काश मेरे पास मेरा अपना कोई ठिकाना होता। जा रहा है, बहुत बुरा। मैं तुम्हें कभी भी जाने ना देता। मेरा दिल कहता है तुम एक दिन बहुत आगे जाओ। तुम्हारे लफ्ज और शायरी आग तो लगा ही चुके हैं। शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें स्कॉलरशिप पे दाखिला दे दिया। बस एक बात याद रखना, ये आग तुम्हारे अंदर जलती रहनी चाहिए। अब उस यूनिवर्सिटी में कोई मिलेगा? कोई मिलेगा या मिलेगी? वैसे सुना है उस यूनिवर्सिटी में बड़े ऊंचे घराने की लड़कियां पढ़ती हैं। तो अभी से सोच के खौफ महसूस होता है मुझे। नर्वसनेस। अरे डरना नहीं है तुम्हें, याद है ना वो डायलॉग, जो डर गया सो मर गया। सो परिजात, डरना नहीं, तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, बल्कि अपने लफ्जों के जादू से सबको मार देना। जिंदगी रही। जाते जाते भी मोटिवेट करके जा रहा है। तो फिर मुलाकात। भाई नासाज जाओ मत यार, ऐसा लग रहा है हमें छोड़ के जा रहा है नासाज। बट नासाज से कांटेक्ट में तो रह सकता हो। बाय फोन। सारी ट्रेन ग्रीन ही होती है ना पाकिस्तान में। ग्रीन, सारी ग्रीन ही होती है। खत्म भाई, ये चीज तो खत्म। देख परिजात उसके सामने तो नहीं रोया था, अब रो रहा है क्योंकि उसकी माँ और बहन के बाद एक नासाज ही था जो उसको समझ सकता था। परिजात को पहली बार रोते हुए बताया शायद। नहीं, उसकी बहन की विदाई पर भी रोते हुए बताया था। शायद दूसरी बार। क्या रियल एक्टिंग की यार, कितना रियल एक्सप्रेशंस। मुझे तो ऐसा लग रहा है सच में ये रोए होंगे। किरदार में पूरा घुस गए हैं यार ये। यार सीरियसली, ये आ गई यूनिवर्सिटी। सब बड़े बाप की बात है। परिजात स्कॉलरशिप पर आया है। हेलो, को उर्दू में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था ताकि मैं थिएटर कॉम्पिटिशन हारूं। मेरे नोट्स के अरेंजमेंट बनाए थे। स्क्रिप्ट मैन, व्हाट द हेल। अच्छा अब ये आई है मशेल खान, थर्ड एक्ट्रेस। ये कहां कहां से आ जाते हैं, कम ऑन बॉयज।
स्टार्ट तो बड़ा खतरनाक हुआ है इनका, आगे जाके कैसे इनकी दोस्ती होगी ये भी देखना पड़ेगा, होगी भी या नहीं ये भी नहीं पता हमें तो, लेट्स सी क्या होता है। स्टार्ट में तो उन्होंने बोल दिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। फरीजाक का गलती से टकराना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और बट रूट भी है किया, वो खुद भी देखते हुए नहीं जा रही थी ना यार, वो खुद पीछे देखकर चल रही थी यार, फरीजाक सामने ही देख रहा था। हाँ ये अभी तक, मतलब मैं तो ये कहूँगा अभी तक मैंने पाकिस्तान में जितने भी ड्रामास देखे उनमें से बेस्ट में आएगा ये। बिल्कुल यार, क्योंकि क्या स्टोरी लाइन है यार इसकी, और सबसे ऐसा नहीं कि भाई एक जैसी स्टोरी चल रही है, हर बार कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलता है और देखने को मिल ही रहा है। जैसे आज पता चला सडनली, हम प्लानिंग में थे कि इनकी शादी कैसे होगी, पता चले बबली भाग गई तो बबली भाग गई, और कितना फास्ट हुआ सब कुछ। हाँ बबली भाग गई, फिर उसके पेरेंट्स भी छोड़ के चले गए, फिर वो नासाज भी चला गया, फिर अब ये नई एक्ट्रेस से भी मिल लिया, स्टोरी एकदम से चेंज हो गई कि फरीजाक का एडमिशन हो गया स्कॉलरशिप बेस पे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, और वहां पर अभी दूसरी बंदी मिल गई। लाइफ में यार कितने अप डाउन दिखाए ये देखो आप लोग तो, यार सच में बहुत मजा आ रहा है इसको देखने में, और मेरा तो ऐसा दिल करता है कि मैं एक ही बैठक में पूरा देख डालूं बट यार और भी काम होते हैं हमें, तो वो भी करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आगे ये ड्रामा देखने के लिए, आप बताओ आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।